तो दोस्तों क्या हालचाल, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सी हल्क के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एपिसोड 1 का फ्लैशबैक। अगर आप एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आपको सी हल्क प्लेलिस्ट और एपिसोड 1 का लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। कोर्ट में जो भी हुआ था वो सबको पता चल चुका है और सी हल्क और टाइटेनिक के बारे में सबको मालूम है। उसी के साथ हमारे शो की मेन विलन यानी कि टाइटेनिया की ओरिजिन भी हमारे सामने है कि वो एक सुपर पावर वाली सोशल इन्फ्लुएंसर है। वो किस तरह की सोशल इन्फ्लुएंसर है उसके बारे में हमें कोई पता नहीं। फिर हम लोग जाते हैं बार एंड ग्रिल्स में, जहाँ पे कुछ लोग सी हल्क के नारे लगा रहे होते हैं। उसके बाद जेनिफर सी हल्क बन के बार में एंटर होती है। दारू पीते पीते सी हल्क आयरन मैन पे एक जोक मारती है जिसे सुन के आयरन मैन फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे। जेनिफर जिस फार्म में काम कर रही होती है उस फार्म का जो हेड है वो वहाँ पर आता है और वो जेनिफर को बोलता है कि वो अब से काम नहीं कर सकती और उसको वो लोग निकाल रहे हैं। उसके बाद जेनिफर न्यू जॉब के लिए इधर उधर भटकती रहती है पर उसे कोई जॉब नहीं देता। फिर वो लैपटॉप में कुछ जॉब रिलेटेड आर्टिकल्स देख रही होती है और यहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं, जैसे फाइंड एंट मैन, नॉर्स माइथोलॉजी, एवेंजर्स और राइट साइड में तो बहुत कुछ है, जैसे कि आयरन मैन 3 नाम का एक सू। नीचे तो बड़े बड़े ईस्टर एग देखने को मिलते हैं, मैन फाइट्स विद मेटल क्लॉ इन बार ब्रॉल, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस था वुल्वरीन को लेकर। और नीचे जो न्यूज था वो न्यूज था इटर्नल्स में हुए कांड को लेकर, मतलब तैमूर यानी कि वो सेलेस्टियल जब अर्थ से निकल रहा था तब उसे जो फ्रीज कर दिया गया था, उससे जो मूर्ति बना था, मूर्ति मतलब क्या बोलते हैं स्टैचू, उसको लेकर एक रेफरेंस था। मतलब इतने दिनों से किसी का ध्यान नहीं गया था पर इस न्यूज को देख के लगता है कि ध्यान गया था। फिर जेनिफर जाती है फैमिली डिनर के लिए और वहाँ पे उसका थोड़ा मजाक बनाया जाता है। आखिर में जेनिफर के डैड उसे थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं। फैमिली डिनर के बाद जेनिफर जाती है बार में, जहाँ पर एकदम मस्त बैठे दारू पी रही थी। तभी मिस्टर हॉलीवे आते हैं जो कि एक फार्म के ओनर है, मतलब एक लॉ फार्म के ओनर, जो कि जेनिफर को ऑफर करते हैं अपने फार्म में ज्वाइन करने के लिए। जेनिफर बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है। फिर वो उस न्यू फार्म में जाती है जॉब के लिए पर उसे पता चलता है कि उसे इस काम के लिए सी हल्क में ही आना जाना करना पड़ेगा, मतलब ऑफिस में, कोर्ट में, हर जगह उसे सी हल्क बन के रहना पड़ेगा। इस बात को सुन के वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और हमसे बात करने लगती है फोर्थ वॉल ब्रेक करके। हॉलीवे जेनिफर को एबोमिनेशन का केस देते हैं, वही जिसे हमने इनक्रेडिबल हल्क और सैंक्चुरी में देखा था। फिर जेनिफर एबोमिनेशन से मिलने जेल में जाती है, जहाँ पे एबोमिनेशन उसे सब कुछ बताता है कि अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ। जेनिफर फिर ब्रूस को कॉल करती है ताकि वो केस के बारे में उसे कुछ पूछ सके। हल्क भी उसे केस लेने के लिए बोलता है। हल्क हमें उस सकारियन शिप में दिखता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया होगा। आई गेस वो सकार जा रहा होगा, जो कि एक सेटअप हो सकता है प्लेनेट हल्क का और फिर वर्ल्ड वॉर हल्क का। उसके बाद जेनिफर कॉल करती है हॉलीवे को क्योंकि वो केस लेने के लिए रेडी हो गई थी, पर हॉलीवे उसे बोलता है न्यूज चैनल खोल के देखो। जेनिफर देखती है एबोमिनेशन को एक फाइट क्लब में और वो किसी से लड़ रहा होता है। ये फाइट क्लब असल में था सैंक्चुरी में दिखाया गया फाइट क्लब और वो लड़ रहा था वॉन्ग के साथ। क्या हमें नेक्स्ट एपिसोड में वॉन्ग भी देखने को मिलेगा? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको सी हल्क के सारे एपिसोड देखने हैं तो आपको सी हल्क प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे एपिसोड देख सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।